मेथड। तो वहां पे जो आपको अननोन बैटरी की जो ईएमएफ आपको पता चल रही थी वो क्या थी आपकी, ई वन इक्वल टू दैट इज द ई टू इंटू एल वन बाय एल टू, ठीक है। उसी को हमने क्या किया, जो हमारे कंप्यूटर साहब थे उन्होंने क्या किया, उसी को मॉडिफाई किया, ठीक है। जो वायर आपका इतना लंबा हो रहा था उसने उन्होंने उसको क्या किया, वहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की और एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में ले जा करके तब मेजरमेंट को चालू किया वहाँ पे, ठीक है। मेजरमेंट वही होना है कि आपको अननोन ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोनों में, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे वर्नियर पोटेंशियोमीटर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दोनों में एरर डेवलप हुआ हमारा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आई हमारी, ठीक है। हम स्लाइड वायर में बहुत सारा प्रिकॉशन लेके चल रहे थे ताकि आपका क्या हो रहा था वहाँ पे अच्छा मतलब कि मेजरमेंट होना चाहिए था, तब भी वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर कंप्यूटर साहब ने उसको मॉडिफाई किया लेकिन वहाँ पे भी आपका मेन ड्रॉबैक आपका इंस्ट्रूमेंट में आ गया कि यहाँ पे रीस्टैंडर्डाइजेशन करने में आपको थोड़ा सा नेसेसरी हो जाता था, जो कि बार बार करना पड़ता था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि टाइम आपका कंज्यूमिंग हो रहा था और थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्टमेंट को लेकर के, मेजरमेंट एडजस्टमेंट को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी। तो वर्नियर में क्या किया गया, इसमें इसने उन्हीं सारी डिफिकल्टियों को वहाँ पे रिड्यूस करके तब जा करके इन्होंने जो पोटेंशियोमीटर डेवलप किया उसका नाम था वर्नियर पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो इनका मकसद ये था कि हम जो प्रॉब्लम आपका पहले जो आ रहा है और भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह में और जिन पोटेंशियोमीटर में, तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि आपकी इन्होंने जो रिड्यूस किया, तो यहाँ पे इन्होंने रिड्यूस करके एक सिंपल वे में पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे डायल के तौर पे, मेजरिंग डायल के तौर पे यहाँ पे उन्होंने बनाया। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे और कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। देखिए बाय यूजिंग बेसिक सिंपल पोटेंशियोमीटर द प्रिसीजन ऑफ 100 माइक्रोवोल्ट फॉर रीडिंग अप टू 1.6 वोल्ट, ठीक है, कैन बी ऑब्टेंड, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो आपका सिंपल पोटेंशियोमीटर था, बाय यूजिंग द सिंपल पोटेंशियोमीटर द प्रिसीजन ऑफ 100 माइक्रोवोल्ट से लेकर के रीडिंग आपकी कहाँ तक हो रही थी, 1.6 तक आप क्या कर रहे थे, ऑब्टेंड कर रहे थे, ठीक है। यूजिंग सच इंस्ट्रूमेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। जाहिर सी बात है ये जो पीछे वाला इंस्ट्रूमेंट था आपका, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आपको एक्यूरेट रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही थी, ड्रॉबैक आपका आ रहा था वहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग, मेनली ड्यू टू द जो आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्लाइड वायर जो आपका था वहाँ पे, वायर मेंटेनिंग गुड पोटेंशियल कॉन्टैक्ट के दौर पे आप वहाँ पे जो थे, तो उसके वजह से आपका क्या हो रहा था कि ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आपकी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो कभी कभी प्रैक्टिकल डिमांड में क्या हो जाता है कि ये तो रेंज है कि 100 माइक्रो ओम वोल्ट से लेकर के आपका अप टू 1.6 वोल्ट तक मेजरमेंट चाहिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में मान लो कि डिमांड हो गया आपका हाईली प्रिसाइज होना और एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए, तब जाकर के कुछ लिमिटेशन डेवलप होती है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका द लिमिटेशन ड्यू टू द स्लाइड वायर इन बेसिक पोटेंशियोमीटर आर एलिमिनेटेड बाय द वर्नियर पोटेंशियोमीटर, तो वो जो आपका लिमिटेशन है स्लाइड वायर के साथ उसको हम लोग क्या किसके द्वारा रिड्यूस करते हैं वहां पे, एलिमिनेट करते हैं वर्नियर पोटेंशियोमीटर से, आप वहां पे क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद जो आपका इंस्ट्रूमेंट का नॉर्मल रेंज है वो आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, 1.6 वोल्ट से लेकर के 10 माइक्रो वोल्ट प्रिसीजन हो जाता है, एंड द लोअर रेंज जो हो जाती है उसकी वो आपकी कितनी हो जाती है, 0.6 वोल्ट से लेकर के 100 माइक्रो वोल्ट तक, ठीक है। ये आप जो आपका फिगर वर्नियर पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डायल के तौर पे यूज किया गया है, थ्री मेजरिंग डायल
लगा हुआ, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है और कैसे कैसे रेंज हम इसमें मैनेज करेंगे और कैसे हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो द मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे इन द सिंपल पोटेंशियोमीटर एंड द वर्नियर पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, अभी जस्ट मैंने बोला कि मेजरिंग डायल यहाँ पे 3 मेजरिंग डायल लगी हुई है, एक आप देख सकते हो दैट इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट डायल X1 एंड द सेकेंड डायल इज X 0.001, सेकेंड डायल एंड द थर्ड डायल इज X 0.00001, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 3 डायल आपकी लगी हुई है तो द स्लाइड वायर इज नॉट यूज्ड, यहाँ पे स्लाइड वायर का यूज नहीं है, स्लाइड वायर इज नॉट यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे जो काम है, फंक्शन है, वो किसका है, मेन जो है वो है डायल का फंक्शन, जो आपका डायल लगा हुआ है वो उसका फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लाइड वायर है वो आपका यहाँ पे क्या होगा, द स्लाइड वायर इज नॉट यूज इन दिस टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर, द मेन डायल दैट इज द फर्स्ट वन डायल, द वो फर्स्ट डायल है आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट डायल, उसका जो मेजर अप टू कितना है 1.5 वोल्ट तक, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके ये कहाँ तक आपका मेजरमेंट है 1.5 वोल्ट ऑन द X1 रेंज इन स्टेप ऑफ 0.1 वोल्ट। जो रेंज है आपकी वो कैसे इंक्रीज हो रही है 0.1 वोल्ट से, स्टेप बाय स्टेप आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और सेकेंड डायल जो है आपका वो कहाँ तक रीड कर रहा है, 0.1 तक रीड कर रहा है, 0.1 वोल्ट तक रीड कर रहा है, रीड अप टू 0.1 वोल्ट तक इन स्टेप ऑफ कितना 0.001। इसीलिए यहाँ पे जो आपका सेकेंड डायल के ऊपर जो लिखा हुआ है सेकेंड डायल X 0.001, दैट इज द स्टेप ऑफ 0.001 वोल्ट का, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है X 0.001 रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, दो हमने देख लिया, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 1.2 स्टूप आपका यहाँ पे कंसिस्ट किया गया है, ठीक है। और आपका थर्ड डायल जो है आपका, दो थर्ड डायल है अगेन विथ आपका मेजरमेंट है यहाँ पे -0.0001 से लेकर के +0.001 वोल्ट तक ऑन द रेंज ऑफ X 0.0001 रेंज पे। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नियर और आपका जो सिंपल पोटेंशियोमीटर जो आपका स्लाइड वायर था तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे स्लाइड वायर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजरिंग डायल का यूज कर रहे हैं जो कि एक फिक्स रेंज पे हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है और उसको उसी रेंज पे जा करके हम मेजरमेंट के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो 3 डायल आपकी लगी हुई है, फर्स्ट डायल दैट इज द आपका यहाँ पे रेंज उसका क्या हो गया जो आप मेजर करेगा आपका 1.5 वोल्ट तक, और इसकी जो रेंज इन स्टेप हो जाएगी 0.1 वोल्ट है। सेकेंड डायल जो है आपका रीड अप टू 0.1 वोल्ट एंड द स्टेप ऑफ दैट इज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.001। और आपका जो थर्ड डायल है वो आपका क्या प्रोवाइड करेगा, द थर्ड डायल प्रोवाइड ट्रू जीरो एंड द निगेटिव सेटिंग, जो थर्ड डायल है वो आपका क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज द ट्रू जीरो एंड द निगेटिव सेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जैसे हम लोग स्विच का सिलेक्शन करते थे, जो आपका रेंज सेलेक्टर स्विच है आपका ऊपर में लगा हुआ है यहाँ पे, तो द फंक्शन ऑफ द रेंज सेलेक्टर स्विच एस एंड द रेंज रेजिस्टेंस जो आपका लगा हुआ है रेंज रेजिस्टेंस दैट इज द R1 एंड द R2 कनेक्टेड आपका डायल के साथ ऊपर में आप देख सकते हैं R1 एंड द R2 इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस सेक्शन। दैट मींस कि जो आप पहले जो करते थे ना रेंज सेलेक्ट करते थे वहां पे आप सेलेक्टर स्विच जो आपका मल्टी सेलेक्टर स्विच जो आपका लगा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे वहां पे सेलेक्ट करके फिर हमारा जो R1 और R2 था वहां पे भी उसको हम सेलेक्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम मेजरमेंट करना चालू करेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड डायल सन टू
टू ऑफ द क्वाइल ऑफ द मेन डायल, जो जो रेजिस्टेंस है आपका सेकेंड डायल का, वो आपका क्या होगा, सन टू ऑफ द क्वाइल ऑफ द मेन डायल, मेन डायल के टू क्वाइल को वहां पे सन किया जाएगा। द मूविंग आर्म ऑफ द सेकेंड डायल, देखो मूविंग आर्म ऑफ द सेकेंड डायल, यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट है, एक है आपका जीरो यहाँ पे देख रहे होगे, एक आया आपका ये आपका कॉन्टेक्ट यहाँ से है 100, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंड डायल टू कॉन्टेक्ट विच आर प्लेस टू स्टॉप अवे फ्रॉम द इच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, द वर्नियर पोटेंशियोमीटर रीड द वोल्टेज ऑफ 10 माइक्रोवोल्ट ऑन द रेंज, जब आपका ये X1 रेंज पे रहेगा तब ये आपका यहाँ पे क्या होगा कि 10 आपका माइक्रोवोल्ट आपका यहाँ पे रीड करेगा, वाइल 1 माइक्रोवोल्ट ऑन द X0.1, ठीक है। यानी कि जब आपकी रीडिंग वोल्टेज की रीडिंग 10 माइक्रोवोल्ट होगी, तो उस समय जो ऑन रेंज जो होगा उसका, ऑन द रेंज ऑफ X1 दैट इज द फर्स्ट डायल, एंड द व्हेन ही मेजर 1 माइक्रोवोल्ट ऑन X0.1 रेंज दैट इज द सेकेंड डायल, ठीक है। दैट हैव वोल्टेज आपका जो रीडिंग होगी, टू हैव वोल्टेज रीडिंग ऑफ 0.1 माइक्रोवोल्ट और 1 मोर रेंज ऑफ X0.01 में भी प्रोवाइडेड। अगर आप इसको मान लो कि आपकी रीडिंग टू हैव वोल्टेज रीडिंग 0.1 माइक्रोवोल्ट है, तो रेंज यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, मोर 1 मोर रेंज आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दैट इज द X0.01 में भी प्रोवाइडेड। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डायल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजरमेंट करना चालू करेंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड सच स्मॉल वोल्टेज एज स्टेरी थर्मल एंड कॉन्टैक्ट पोटेंशियल इन पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड द मेजरिंग सर्किट आर अनकंट्रोलेबल। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पे जो है आपका कनेक्टिंग लीड है।